हेलो गाइज, वेलकम टू रियल कार पैक 10। कैसे आप सब लोग? तो गाइज, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कार लेके आया हूँ। अगर मैं बात करूँ हैचबैक कार्स की, तो ये कार आज से 2-3 साल पहले कंटिन्यू थी, बट अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने इसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। और ये टोयोटा की तरफ से आने वाली एक ऐसी हैचबैक कार थी जिसे टोयोटा आज से 2-3 साल पहले खुद बनाता था। अब टोयोटा की जितनी भी कार्स आ रही हैं सब एक जॉइंट वेंचर पे आ रही है मारुति के साथ। तो ये टोयोटा की लास्ट हैचबैक कार थी एंड आज से 2-3 साल पहले से ही टोयोटा ने इसको बनाना बंद कर दिया। एंड वी डोंट नो क्या रीज़न था टोयोटा को इसको बंद करने का, बिकॉज ये कार कैपेबिलिटीज़ के मामले में किसी भी कार से कम नहीं थी। तो ये टोयोटा की तरफ से आने वाली हैचबैक कार्स में से एक थी जिसे टोयोटा आज से कुछ साल पहले खुद प्रोड्यूस करता था। अब जो हैचबैक कार आ रही है टोयोटा की तरफ से, वो सब एक जॉइंट वेंचर में बन रही है मारुति के साथ। तो ये एक ऐसी कार थी जिसे टोयोटा आज से पहले खुद प्रोड्यूस करता था। आज हमारे सामने खड़ा है एटियोस लीवा का 2019 मॉडल, और ये बेस से एक ऊपर का वेरियंट है। एंड आज से 2-3 साल पहले ये जो कार कॉस्ट करती थी, इस ये वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलर, तो ये कॉस्ट करती थी 6.30 लाख ऑन रोड प्राइस को इस कार पे ख़रीदा गया था। तो आज से पहले इस मॉडल का प्राइस 6.30 लाख था। तो गाइस, बात करूँ इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो ये कार आपको 79 BHP की पावर देती थी जो 104 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता था। तो अगर टोयोटा के इंजन की रिलायबिलिटी की बात करूँ, तो यार आई डोंट थिंक सो इसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। टोयोटा की इंजन की रिलायबिलिटी के बारे में हर कोई जानता है। तो गाइस, 6.30 लाख के ऑन रोड प्राइस में आपको कंपनी और क्या क्या ऑफर करती थी? तो इसमें कंपनी आपको ऑफर करती थी अलॉय व्हील्स, और इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको 15 इंच के टायर्स मिलते थे। एंड ये कार आपको ड्यूल टोन में मिलती थी। आजकल कई कंपनीज ड्यूल टोन आपको टॉप मॉडल में प्रोवाइड करती है, बट टोयोटा ने इसको अपने सेकंड बेस मॉडल से देना स्टार्ट कर दिया था। तो ये कार आपको ड्यूल टोन में मिलती थी, एंड इसके साथ साथ आपको ORVM में ही इसके टर्न इंडिकेटर मिल जाते थे। यहाँ पर आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता था। कार में आपको 251 लीटर का बूट स्पेस मिलता था। तो गाइस, जल्दी से चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कि कंपनी 3 साल पहले क्या इंटीरियर ऑफर करती थी हमें इस कार में। गाइस, इंटीरियर की बात करूं तो कंपनी ने उस टाइम पे भी ड्यूल टोन इंटीरियर इसमें प्रोवाइड किया था। मेजरली अगर बात करूं तो इसमें ब्लैक, मैट ब्लैक और बेज कलर यूज़ किया था, बट कई कई जगह इस कार में आपको ग्लॉसी ब्लैक इंटीरियर भी देखने को मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं बात करूँ इसके डैशबोर्ड की, तो इसका डैशबोर्ड जो अभी तक की जितनी भी कारें आ रही हैं उनमें से बिल्कुल डिफरेंट डैशबोर्ड है। अगर मैं बात करूँ टोयोटा की कार का, तो इसमें आपको जो आपका कंसोल है वो आपको सेंटर में मिलता है। कारों में आपको आपके स्टेयरिंग के पीछे कंसोल देखने को मिलता है, बट इसका कंसोल देखने में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिजिटल कंसोल की तरह लगता है, बट ये डिजिटल कंसोल नहीं है। इसमें आपको टैकोमीटर और स्पीडोमीटर मिल जाता है, साथ में एक छोटी सी MID स्क्रीन मिलती है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है, रिलेटेड टू एवरेज, रिलेटेड टू फ्यूल, योर टाइमिंग, योर ट्रिप, सारे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको छोटी सी MID स्क्रीन में दिख जाती है। तो बात करूंगा इस ड्राइवर डोर साइड की, तो ड्राइवर डोर साइड में आपको सारे विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी ने फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है, जो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज पूरा हार्ड प्लास्टिक नहीं है, थोड़ा थोड़ा फैब्रिक भी यूज़ किया हुआ है कंपनी ने इसमें। तो वहीं इस मॉडल की बात करूँ तो इस मॉडल में आपको ऑटो फोल्डेबल ORVM तो नहीं मिलते, बट ऑटो एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं। इसको आप कार के अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हो। इसकी रियर सीट में इतना स्पेस है कि आप इजीली 3 एडल्ट बैठ के इसमें ट्रेवल कर सकते हो, वो भी लॉन्ग जर्नी। आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। आजकल जो भी हैचबैक कार्स आ रही हैं उन सब में अगर आप देखोगे स्पेस के मामले में, तो इस कार में स्पेस उन हैचबैक कार से बहुत ज़्यादा था। काफ़ी स्पेशियस कार है ये, अंदर आप बैठोगे तो आपको फील होगा कि आप किसी स्पेशियस कार में बैठे हो। अगर बात करी जाए इसकी सीट कंफर्ट की, तो इसका कार का सीट कंफर्ट भी बहुत अच्छा था। इन सीट्स में आप बैठो, थाई सपोर्ट, आपको प्रॉपर थाई सपोर्ट इस कार में मिलता है। कुशनिंग भी इनकी सीट्स की काफ़ी अच्छी थी। तो अगर बात करी जाए कंफर्ट की, तो कंफर्ट के मामले में ये कार काफ़ी अच्छी थी। बात की जाए इस कार की सस्पेंशन की, तो इसकी सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे ट्यून किए गए थे टोयोटा की तरफ से, एंड बहुत ही अच्छे सस्पेंशन के साथ ये कार आती थी। गाइस, मैंने आपको इस कार के ओवरऑल लाइक ये कार कैसी थी एंड इसमें क्या क्या फीचर्स आते थे इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कार टोयोटा ने क्यों बंद कर दी। आई डोंट नो कि इस कार को टोयोटा अच्छी तरह से मार्केटिंग नहीं कर पाई, क्या रीज़न था इस कार के सक्सेस ना होने के पीछे, बिकॉज ये कार काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थी एक अच्छी कंपटीशन देने के लिए मारुति को और हॉन्डाई को, जो उस समय हैचबैक कार रूल कर रहे थे। तो उस सेगमेंट को ये कंपटीशन देने के लिए इस कार में काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटीज थी, बट आई डोंट नो किस रीज़न की वजह से टोयोटा ने इसको बंद कर दिया।
तो मुझे वो रीजन तो समझ नहीं आया, बट ये कार काफी हद तक कैपेबल थी उन कार्स को कंपटीशन देने के लिए। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर आपने ये कार कभी चलाई हो, आप जानते हो अगर किसी ने कार यूज करी है तो आप बता सकते हो कि आपके ओपिनियन क्या थे इस कार के बारे में। मेरे हिसाब से मैंने इस कार का डीजल वेरियंट ओन किया था एंड मैंने उसको 7-8 साल चलाया था। ये एटियोस लीवा है, मैंने इसका एटियोस क्रॉस जो आता था उसका डीजल वेरिएंट यूज़ किया था ऑलमोस्ट 7 साल तक, और मैं उसको काफ़ी जगह ले गया था और मैंने उसको अराउंड 1 लाख+ किलोमीटर चलाया था। तो मैंने उसको काफ़ी चलाया था और उसके कार का मैं आपको बताऊं कि यार उसकी कार जो बोला जाता है ना कि टोयोटा की रिलायबिलिटी, क्यों टोयोटा को इतना ज़्यादा ट्रस्टेबल और इतना ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, तो मैं टोयोटा का कस्टमर था, मैंने टोयोटा चलाई है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्यों बोला जाता है। बिकॉज यार उस कार का मेरे को आया था, उस कार में जो कंफर्ट मुझे मिलता था वो मुझे अभी तक और किसी कार में नहीं मिला। तो मैं मानता हूँ यार कि टोयोटा और की रिलायबिलिटी और टोयोटा के इंजन पे हम कोई भी डाउट नहीं कर सकते, काफ़ी रिलायबल कार होती है टोयोटा की। तो इस कार को बंद करने के पीछे रीज़न मुझे समझ नहीं आया कि क्यों कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू किया, अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छी कार थी। तो गाइस इस वीडियो में तो मैंने आपसे शेयर किया कि ये कार कैसी थी और ये कार में क्या क्या फीचर्स आते थे और किस प्राइस रेंज में ये कार आती थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस कार की ड्राइव रिव्यू कैसा है और ये कार चलाने में कैसी है, एंड अगर अभी कोई सेकेंड हैंड मार्केट में ये कार लेना चाहता है तो क्या वो इस कार की तरफ जा सकता है, और पूरा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और शेयर करते हैं इसका ड्राइव रिव्यू।